नमस्कार दोस्तों, मासूम प्रद्युम्न की मौत को लेकर हुआ बड़ा खुलासा सामने आया, वो ऑडियो टेप जिसने खोल दिया प्रद्युम्न की मौत का राज। रयान इंटरनेशनल्स का लम्बे हुए प्रद्युम्न हत्याकांड में एक लीक हुए ऑडियो टेप की वजह से इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जैसा कि अब तक पूरा देश जान चुका है, अभी कुछ दिन पहले किस तरह से एक मासूम बच्चे प्रद्युम्न की स्कूल के बाथरूम में निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस मामले के बाद पुलिस ने बस के कंडक्टर को गिरफ्तार किया था और उस बस के कंडक्टर ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था, लेकिन इस पूरे हत्याकांड पर उस मासूम बच्चे का, माँ का और पूरे परिवार का बोलना था कि जो आरोपी पकड़ा गया है वो असली आरोपी नहीं है, वो सिर्फ एक मोहरा है, बल्कि असली आरोपी तो कोई और ही है। दरअसल अब लीक हुए एक ऑडियो से ये बात बिल्कुल सच होती हुई नजर आ रही है। आप खुद सुनिए इंडिया टीवी का वो बड़ा खुलासा जिसे देखकर आपको भी पूरा मामला समझ आ जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि एक ऑडियो टेप से सारा सच सामने आता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये बस ड्राइवर ने जो खुलासे किए हैं उससे सभी हैरान हैं, और ये खुलासा कोई छोटा खुलासा नहीं है। आप खुद सोचिए, कोई किसी गुनहगार को क्यों बचाने आगे आएगा? आप खुद सोचिए, अगर कंडक्टर आरोपी है तो आखिर ड्राइवर ये सनसनीखेज खुलासे क्यों ही करता? यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी आरोपी के कंडक्टर के परिवार वाले भी बोल चुके हैं कि इसे सिर्फ फंसाया जा रहा है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि असली आरोपियों को बचाया जा सके। यहाँ अब ये देखने अहम हो जाता है कि कैसे इस सबूत और बयानों के आधार पर असली कातिल तक पुलिस या फिर सीबीआई पहुँचती है।